बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, मैं छोटा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं शेराब जल मरवत साहब पर बात करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर इमरान खान के बाद अगर कोई दलेर शख्स है, कोई बहादुर, कोई जुर्रतमंद शख्स है तो वो सिर्फ शेराब जल मरवत साहब है, जो मैं बहुत करीब से जानता हूँ। शेराब जल मरवत पीटीआई का एक ट्रस्टेड लीडर है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर क्रश किया गया, जब हमारी पार्टी को दीवार से लगाया गया, कोई पीटीआई का झंडा नहीं उठा सकता था। जलसा और कन्वेंशन तो दूर की बात, कोई मीटिंग भी नहीं कर सकता था। तो उस वक्त शेराब जल मरवत वो मर्द मुजाहिद था जिसने तहरीक इंसाफ को कंधा दिया। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर पार्टी को दोबारा उठाया। उसने सारे हैबर पुख्तुनख्वा को खड़ा कर दिया और हैबर पुख्तुनख्वा में पीटीआई को जितवाया। ये सारा प्रोसेस मैंने अपनी आंखों से देखा है क्योंकि केपीके में मैं उसके साथ था। तो जितना मैं जानता हूँ शेराब जल मरवत आपको, वो इमरान खान का सही मानों में जानिसार है। अब पीटीआई के अंदर जो मरवत साहब का मुहालेपत कर रहे हैं, जो उसको पसंद नहीं करते, जो उसके खिलाफ शोकाज नोटिस जारी कर रहे हैं, असल में वही लोग पीटीआई की नजरे के खिलाफ है और शेराब जल मरवत का मकबूलियत उनसे देखा नहीं जाता। इमरान खान के बाद अगर पीटीआई का सही वारिस है तो वो सिर्फ मरवत साहब है। और मैं तमाम पीटीआई लीडरशिप को अपील करता हूँ, ये बोझ और हसद छोड़ दे, जो जितना पार्टी का खिदमत कर सकता है करने दे उसे, एक दूसरे का रास्ता रोकना बंद कर दे, आपस में इत्तेफाक पैदा करे, तब हम आगे चलेंगे। दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखे और दुआओं में याद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। ए वतन, जान जान, जान मन, जलवा।